बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक 10 मार्क का सम आएगा। पिछले साल ऑप्शन डिसोल्यूशन आया था, और एक 5 मार्क का प्रोफर्मा आ सकता है, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। हम शुरू करते हैं सेल्स से। सेल्स क्या होता है? जो तुम्हारा प्राइमरी बिजनेस डीलिंग है, स्टेशनरी शॉप वाले स्टेशनरी बेचते हैं, हार्डवेयर शॉप वाले हार्डवेयर हार्डवेयर बेचते हैं, दवाइयां वाले दवाइयां बेचते हैं, ठीक है ना। सो मैं जो सेल करूंगा उसका दो प्रकार होगा, एक तुम्हारे सामने है कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। दो प्रकार है, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स। जिसको हम उधारी में बेचते हैं, टेक्निकली उसको उससे अपने को पैसा आना है। सोचो तुमने 5 लाख का बेचा, उससे कितना आना है? 5 लाख रुपया। तो टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड डेटर। और ग्रुप ऑफ ट्रेड डेटर्स को क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेटर्स, बराबर है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी शुरू होती है जहां पे तुमने उधारी में बेचा। कैश सेल में तो बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड कि मैंने दो पार्टीज बनाए हैं, एक सेलर और एक बायर। सेलर क्या करता है? सेल्स गुड्स। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, 8,000 रुपए का गुड्स बेचता है ऑन कैश, ठीक है, कैश सेल करता है। एक 8,000 रुपए का गुड्स है, सेलर ने बायर को कैश में बेचा। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि सेलर उधारी में बेच रहा है। दो पॉसिबिलिटीज है। तुम बोलोगे पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, लेकिन अपने को इंटरेस्ट है क्रेडिट से। अभी लेट अस अंडरस्टैंड, मैंने एग्जाम्पल लिया है बीइंग ह्यूमन टी शर्ट्स का या टी शर्ट का। सेलर कौन है? सलमान खान को बना दिया, आई थिंक इज अ ब्रांड एम्बेसडर बीइंग ह्यूमन, ठीक है। और बायर मैंने आमिर खान को बना दिया, ठीक है। कैश सेल रहा तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का रोल नहीं आएगा। अभी लेट अस एज्यूम सलमान खान इज द सेलर, ही सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू आमिर खान। तो आमिर खान से कितना आना है? 8,000। टेक्निकल भाषा में सलमान खान को क्रेडिटर बोलेंगे, और जो बायर से पैसा आना है आमिर खान उसको डेटर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या प्रूफ है कि सलमान खान ने गुड्स बेचा है आमिर खान को? सो व्हाट ही विल डू देन? ही विल प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। सलमान खान एक ड्राफ्ट बनाएगा, ठीक है। ही विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉअर। एक ड्राफ्ट बनाएगा, ये ड्राफ्ट में लिखेगा कि 8,000 रुपए का गुड्स बेचा है उधारी में, और 2 महीने बाद मुझे पैसा देना। कौन बनाएगा ड्राफ्ट? सलमान खान। ही इज कॉल्ड एज अ ड्रॉअर। ये ड्राफ्ट किसके पास गया है? आमिर खान के पास। आमिर खान इज द रॉय। द मोमेंट यहां पे साइन करेगा ड्रॉय, आमिर खान हैज टू साइन ऑन इट एंड रिटर्न दिस टू सलमान खान। जैसे ही आमिर खान इस ड्राफ्ट को साइन करते हैं, दिस ड्राफ्ट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। सो कहानी शुरू होती है उधारी वाले सेल की। सलमान खान वॉन्ट्स अ प्रूफ दैट ही हैज सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। ही सेंड्स द ड्राफ्ट टू द ड्रॉई। सलमान खान इज द क्रेडिटर। बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में ड्रॉअर। ड्राफ्ट जाता है आमिर खान के पास, ही इज द ड्रॉई। देन ये जो ड्रॉई है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसको देता है? ड्रॉअर। तो
तो ये जो ड्राफ्ट दिया देन अमेरिकन साइंस देन इट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पे देखो साइन किया है ड्रॉइंग है, एक्सेप्टेड मतलब साइन. 3 महीने बाद या 2 महीने बाद 8,000 रुपया सलमान खान आमिर खान से मांग रहा है. द मोमेंट साइन किया ये लीगल प्रूफ बन जाता है ड्रॉअर के पास. सो साफ पता चल रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग. ये था तुम्हारा ड्राफ्ट, ठीक है, और ये रहेगा तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज. तुमको ये 5 मार्क का प्रोफॉर्मा के रूप में आ सकता है. पहले ए बी सी डी ई एफ जी, पहले तो कंफर्म था हर पेपर में आता था. अभी 4 वो लोग 10 में से कोई भी 4 उनके मर्जी के हिसाब से पूछेंगे, बट ये पिछले साल नहीं आया तो ये साल आने का चांस रहता है. सिंपल सा है, तुम जो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बनाना, क्या बनाओगे, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप. इधर लिखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टैम्प लिखोगे, यहां पे रकम लिखोगे, ठीक है. राइट हैंड साइड में कौन है, ड्रॉअर आनंद अमीचंद सकलेचा, ठीक है, वो उसका नाम और उसका एड्रेस, किसका, ड्रॉअर का, कौन से तारीख को ड्रॉ किया है वो तारीख. अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, यहां पे ये जो शब्द है स्टैंडर्ड है जो लिखेगा 2 मंथ्स आफ्टर डेट, ठीक है, जो तारीख है उसके 2 महीने के अंदर मुझे पे कर, या मैं जिसको बोलू और मैं ऑर्डर, तो हो सकता है सलमान खान बोले कि 8,000 रुपया तू शाहरुख खान को पे कर और मैं ऑर्डर, या तो मुझे दे या किसको दे, शाहरुख खान को. द सम ऑफ रुपीज कितना, 8,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव. वैल्यू रिसीव मतलब तुझे बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट दिया था, तुझे वैल्यू मिल चुका, वो तेरे साइड का वैल्यू मुझे अभी तक मिला नहीं. 2 महीने बाद जो तुझे उधारी का टाइम दिया है 2 महीने बाद मुझे पैसा दे देना. और यहाँ पे साइंड कौन करेगा, ड्रॉअर, ठीक है, आनंद. ये किसको जा रहा है, ड्रॉइंग को, बंसीलाल नीलाकनाथ कुंवर मार्केट यार्ड औरंगाबाद. अब ये किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास. ड्रॉई यहाँ पे साइन करेगा, एक्सेप्टेड मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया और उसका साइन यहाँ पे डालेगा. अब जैसे साइन करेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जब भेजा था तो वो क्या था, ड्राफ्ट था. अभी साइन करने के बाद क्या बन जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, करेक्ट. तो फीचर्स क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज के, बिल ऑफ एक्सचेंज किस ओरली नहीं चलता है, किस रूप में चाहिए, इट हैज टू बी इन राइटिंग. प्रॉपर स्टैंप जो स्टैंप एक्ट के हिसाब से वैल्यू के हिसाब से तय होगा, ठीक है, स्टैंप उसमें एफिक्स होना चाहिए. उसमें अनकंडीशनल रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए, 2 मंथ्स आफ्टर डेट इफ यू कैन पे, नो, इट्स बोलते ना एक ऑर्डर है उसमें कंडीशन नहीं डाल सकते. It's an unconditional order. It's not a request to pay. It's an order to pay. Sign कौन करेगा? Drawer. देखो इधर sign किया है drawer ने. Drawer accept करेगा और sign करेगा. Dated है, इधर तारीख होनी चाहिए. देखो stamp रकम dated होना चाहिए. Definite amount to be paid. Definite amount लिख रहा है. समझ में आ रहा है? The money must be payable to the person whose name is specified in it or to his order or to the bearer paying. इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होंगे, 3, बनाने वाला, ड्रॉअर, जिसको भेजा, ड्रॉई, और जिसको पेमेंट होगा. हो सकता है सलमान खान खुद पे ही हो सकता है शाहरुख खान पे ही हो. कैसे पता चलता है, ड्रॉअर के पर है, ड्रॉअर ने पीछे साइन करके दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, पे ही बन जाएगा. कि शाहरुख खान विल बिकम द पे, नहीं बोला तो वो खुद पे ही बन जाएगा. इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड नहीं किया तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ड्राफ्ट. इट मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड व्हेन द पेमेंट इज टू बी मेड. ड्यू डेट कौन से तारीख को पे करना है, यहाँ पे 2 मंथ्स आफ्टर डेट. इट हैज टू बी राइटिंग, ड्रॉअर का नाम, स्टैम्प, रकम, टाइमिंग, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉइंग, उसका एक्सेप्टेंस और तारीख. आया समझ में? नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, 3, ड्रॉअर जो बिल ड्रॉ करता है,
ठीक है, हु ड्रॉज द बिल उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉअर। मेकर भी बोल सकते हैं बट टेक्निकली वी कॉल इट एज अ ड्रॉअर। हु इज द क्रेडिटर, बिल किसको जाता है, ड्रॉई को। ड्रॉई कौन है, डेटर। और जिसको पेमेंट करना है या तो खुद सलमान खान होगा या हो सकता है अमिताभ बच्चन को बना दिया पे, खुद भी हो सकता है वो, उसने किसी और को नहीं दिया। टेक्निकली वी कॉल इट एज एंडोर्समेंट, वो बताऊंगा मैं। सो खुद रहा तो वो खुद ही ड्रॉअर रहेगा और आमिर खान सलमान खान को ही पे करेगा तो ये पे ही बन जाएगा। और सलमान खान ने बोला कि अमिताभ बच्चन को पे कर, सो अमिताभ बच्चन विल बिकम द पे। आया समझ में इतना? नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस, एक होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नीचे था ना एक्सेप्टेड का साइन। जनरल एक्सेप्टेंस मींस जो भी आपने लिखा है ड्रॉअर में मैं स्वीकार करता हूँ। क्वालिफाइड मतलब ट्रॉय बोल रहा है वहां पे, उसको 8,000 के बजाय बोलता है मैं 7,000 के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। या 2 महीने के बजाय बोल रहा है 3 महीना, सो क्वालिफाइड अमाउंट अलग बोल सकता है वो कि मैं स्वीकार रहा हूं पर 8,000 नहीं 7,000 के लिए, टाइम 2 महीना नहीं 3 महीना। या हो सकता है जगह तुमने बोला नासिक में, पुणे में पे करूंगा, उधर एक्सेप्टेंस के बाजू में वो लिखेगा ये एक्सेप्टेड फॉर 8,000, एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स, एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट इन पुणे पार्टीज। ठीक है, वो हो सकता है पार्टीज का बोले कि मैं इसको दूंगा, ये भी हो सकता है कंडीशन, कुछ और कंडीशन डाल सकता है कि कुछ घटना हो उसके बाद दिवाली के बाद, जो भी घटना हो वो डाल सकता है। ठीक है, तो इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। नाउ जनरल एक्सेप्टेंस तुम्हारे सामने है, तुमको तो पता है। देखो जनरल एक्सेप्टेंस, ड्रॉइंग ने कोई भी एक्सेप्टेड के बारे में कुछ चेंजेस किया है नहीं, एज इट इज क्या लिखा, एक्सेप्टेड लिखा, इसको क्या बोलेंगे, जनरल एक्सेप्टेंस। और ये देखो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में एक्सेप्टेड रकम कितना था, 25,000। कितने का एक्सेप्ट किया उसने, सुनीता ने 22,500। ड्रॉअर कौन है, अदिति। टेनवा, यहां तक सब लोग क्लियर है, कोई डाउट किसी को? ओके, लेट अस प्रोसीड। टेनोर एंड ड्यू डेट ऑफ बिल, टेनोर इज द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच द बिल बिकम्स पेबल। तुम टेनोर डेज के हिसाब से भी डाल सकते हैं कि 90 दिन बाद पे करो। टाइम फ्रेम, तुमने उधारी में बेचा है तो तुम सामने वाले को टाइम कितना दे सकते हो, तुम बोलो 60 डेज, तुम बोलो 90 डेज, 120 डेज, और तुम बोचा हो तो 3 महीना 2 महीना बोलो। इसको जो पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, नॉर्मली 3-4 महीने तक ही रहता है, उससे ज्यादा तो कोई ड्रॉ नहीं करता। आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे हम, टेनर ऑफ बिल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू डेट ऑफ बिल। अभी 25 अक्टूबर है, सी कैसे होता है, तुम्हारा जब एग्जामिनेशन का ड्यू डेट रहता है, टाइम खत्म होने के बाद भी 60 दिन एक्स्ट्रा रहता है विद लेट पेमेंट ऑफ फीस, 7 to 10 days एक्स्ट्रा रहता है, सुना है? तो इधर जब भी ड्यू डेट, जो भी टेनोर ऑफ बिल है उसमें तुम +3 days ऑफ ग्रेस ऐड करोगे। ये 3 दिन उसको पेमेंट का दिया है टाइम फ्रेम ड्यू डेट के हिसाब से। अब देखो 25 अक्टूबर को बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए, तो मच्योरिटी डेट क्या होगा, 25 अक्टूबर। तो मच्योरिटी डेट और ड्यू डेट में फर्क यह है कि टेनर ऑफ बिल 3 महीना है तो मच्योरिटी डेट 25 अक्टूबर होगा, लेकिन ड्यू डेट क्या करेंगे, इसमें 3 महीना जोड़ोगे, तो तुम्हारा मच्योरिटी डेट 25 अक्टूबर है लेकिन ड्यू डेट विल बी 25 जनवरी। कभी 25 अक्टूबर है, ओके मैं करेक्शन कर दूं, 25 अक्टूबर के बाद 3 महीना क्या आएगा, 25 जनवरी। तो ये क्या माना जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट, लेकिन लीगल ड्यू डेट क्या होगा। पर इसमें तुमको दो प्रिकॉशन लेने होंगे, वो भूलना नहीं। पहला प्रिकॉशन, यदि ये ड्यू डेट 26 जनवरी होता, 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलिडे, ठीक है, तो उसका डेट अलग रहेगा, और 15 अगस्त, ठीक है ना, तो एक दिन पहले हो जाएगा। अब डेट देखो 25 अक्टूबर 3 महीने बाद, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 डेज ग्रेस जोड़ेंगे ना, लेकिन सिर्फ दो टर्म
तारीख तुमको ख्याल रखना है, 26 जनवरी रहा तो क्या कर दोगे? और एक और था मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बट बता दू, 15 अगस्त रहा तो क्या हो जाएगा? 14 अगस्त। बाकी संडेस के भी कायदे हैं लेकिन तुमको इतना देखने की जरूरत नहीं, तुमको सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त का ध्यान देना है। सो एक दिन पहले हो जाएगा। डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट कमाउंट, ये टाइप्स ऑफ बिल में आएगा। एज सून एज तुमने तुरंत पेमेंट मांगा तो उसका डेज ऑफ ग्रेस नहीं जोड़ा जाएगा। व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज सेट इन मंथ्स द कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट विल बी द मंथ्स इग्नोरिंग द डेज नंबर। चलो देखते हैं क्या है। 25 अक्टूबर का डेट ऑफ बिल है, 3 महीने का टाइम फ्रेम है, तो 25 अक्टूबर का जो मैच्योरिटी है उसमें 3 दिन तुम जोड़ोगे, तुम डेज काउंट नहीं करोगे। इट्स लाइक दिस, जनवरी में 31 दिन है, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30। नाउ जब महीने टू महीने बिल रहता है, जनवरी के बाद फरवरी में सिर्फ 28 है, तो डेज नहीं करोगे। जनवरी 5 है तो फरवरी 5, मार्च 5, बराबर है, मंथ टू मंथ मूव करोगे वो तारीख, लेकिन डेज रहा तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 1 जनवरी में 60 डेज है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? मैच्योरिटी डेट 1 जनवरी है तो कैसे इसको वर्कआउट करोगे वो तुमको बता रहा हूं। देखो 1 जनवरी, जनवरी में कितने दिन, 1 जन को छोड़ दो कितने दिन बचा, जिस दिन ड्रॉ किया 30, 1 जन को छोड़ के फरवरी में कितना है 28, कितने दिन के लिए ड्रॉ किया था? सो जनवरी 1 को ड्रॉ किया था तो जनवरी 1 छोड़ दो, जनवरी में बाकी बचे 30 दिन, फरवरी में 28 दिन, लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी है ना, तो फरवरी 2, लेकिन 3 डेज ऑफ ग्रेस भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो क्या आ जाएगा टाइम फ्रेम इसका, 2 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। वापिस एक बार कैलकुलेशन देखो, तुमने 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया और यदि 3 महीना होता तो ड्यू डेट क्या आया होता? जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, बस अप्रैल 1 + 3 दिन 4 अप्रैल आया। लेकिन डेज के हिसाब से तो 1 जनवरी को ड्रॉ किया, 4 दिन छोड़ दो, जनवरी में 30 दिन, अभी भी 60 बाकी है, फरवरी में 28, अभी भी 2 बाकी है, मार्च 2, नॉमिनल ड्यू डेट आया, 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ो तो तुम्हारा 5 मार्च 2018। लीप ईयर रहा तो 29 डेज। लीप ईयर कैसे पहचानते पता है ना, कोई भी आंकड़ा डिवाइड बाय 4 होता है तो वो लीप ईयर माना जाएगा। ये कौन सा साल चल रहा है, क्या डिवाइड बाय 4 हो रहा है तो फिर ये लीप ईयर नहीं है। 2024 होगा, यस, तो वो लीप ईयर होगा, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा माना जाएगा, फरवरी विल हैव 29 डेज। पब्लिक हॉलीडे रहा तो प्रीसीडिंग बिजनेस डे, 26 जनवरी का क्या होगा 25 जनवरी, और इमरजेंसी हॉलीडे में भी कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, या जैसे कल इंडोनेशिया में फुटबॉल स्टेडियम में कुछ 160 लोग गए, ऐसा कुछ उस एरिया में ही छुट्टी दे दिया हो, देन उसके एक दिन बाद रहते, बाकी एक दिन पहले, लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे तो फिर एक दिन पहले कैसे, फिर एक दिन बाद, लेकिन तुमको इतना डीप नहीं आएगा, तुमको 26 जनवरी और 15 अगस्त का ध्यान रखना। डेट ऑफ मैच्योरिटी 5 फरवरी डिक्लेयर्ड तो एक दिन बाद होगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स, चलो कौन बताएगा? डेट ऑफ बिल 8 जनवरी है, एक्सेप्टेंस 9 जनवरी, प्रेजेंटेशन 9 जनवरी, टाइप ऑफ बिल आफ्टर डेट, ठीक है। डेट ऑफ बिल आफ्टर डेट बोला तो 8 जनवरी काउंट करोगे, 8 जनवरी 2 महीना, फरवरी मार्च और 3 दिन जोड़ो। अब तुम देखो यहां पे भी आफ्टर डेट है, 29 जनवरी के बाद में 1 महीने बाद क्या होगा, 29 तो फरवरी नहीं है तो 28 काउंट करोगे और फिर 3 डेज 3 मार्च, इसके बाद थर्ड में, क्यों थर्ड में, जनवरी के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद 3 दिन में आफ्टर डेट 30 डेज, तभी तुमको कौन से 14 दिन छोड़ दो, 17 और ये कितना बचेगा, 17 और 13 फरवरी और 3 डेज ऑफ ग्रेस,
जैसे कैलकुलेशन शॉर्ट में बता रहा हूँ तुमको, पहले सब आता था लेकिन अभी सम्स नहीं आते। और देखो आफ्टर साइड बोला है, आफ्टर साइड टू डेट ऑफ प्रेजेंटेशन जब किया तब काउंट होता है। When a bill is drawn after date, the due date of bill is calculated from the date on which the bill is drawn. After date बोला तो क्या बोलेगा? ये। और after side from the date of presentation or the date on which the bill is accepted by the drawer, whichever is earlier. ठीक है? ये जस्ट knowledge के लिए जोड़ रहे हैं, उसके sums अभी पहले से नहीं आ रहे। Types of bill of exchange. See, एक जमाने में मैं बात कर रहा हूँ 15 years back, 20 years back. बिल ऑफ एक्सचेंज के दो चैप्टर्स हुआ करते थे, ट्रेड बिल और एक एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल मतलब जो सलमान खान का एग्जांपल लिया, व्यापार, व्यापार में मैंने उधारी में बेचा फिर मैंने बिल ड्रॉ किया। लेकिन एकोमोडेशन बिल में मेरे एक दोस्त को पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो वो बिल ड्रॉ करेगा, मैं साइन करूंगा, उसको मिल जाएगा और फिर वो बैंक से पैसा उठाएगा। टेक्निकली इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। ये कैसे होता है हम देखें। अभी ट्रेड बिल, उसमें एक इनलैंड बिल है जो शुरू और अंत भारत में होता है, फॉरेन बिल जो एक इंडिया में है और एक फॉरेन में है। द बिल्स आर ड्रॉन, तुम बिल तो दे रहे हो लेकिन वहां पे एक लिख रहे हो जब भी मांगा पैसा देना पड़ेगा। ऐसा तो बिल नहीं अलाउड है इंडिया में, क्योंकि तुमने आज बिल ड्रॉ किया परसों पैसा मांगा, सामने वाला बोलेगा मैं कैसे दूं, तुमको टाइम फ्रेम बराबर देना पड़ेगा। आफ्टर डेट मैंने बताया था जब बिल ड्रॉ करते हैं वो, आफ्टर साइट जब प्रेजेंटेशन या एक्सेप्टेंस जो भी पहले कंप्लीट हुआ वो काउंट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में ले रहा हूं, अभी तुम्हारा शुरू होगा रिटेनिंग। जब मैं बिल ड्रॉर को, ड्रॉर हूं मैं, मैंने बिल ड्रॉई को दिया, उससे साइन किया, वापिस मेरे पास दिया, बराबर है, तो मेरे पास चार ऑप्शन रहेंगे, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स बैंक फॉर कलेक्शन, चार ऑप्शन रहेंगे। उसका पहला ऑप्शन ये क्या होता है, शाबाश मैंने दिया है, पहला बिल मेरे पास ही रहेगा रिटेन, फिर मैं बैंक से डिस्काउंट कराऊंगा, एंडोर्समेंट और बैंक फॉर कलेक्शन, ये चारों पे तुमको जर्नल एंट्रीज रहेंगे। अब तुम बोलोगे चारों क्या है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तैयार सब लोग? अभी लेट अस कम टू द फर्स्ट एग्जांपल, रिटेनिंग ऑफ बिल। रिटेनिंग ऑफ बिल क्या होता है, मैं तुमको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे तुमको समझ में आएगा। सेलर है, उसने बिल किसको दिया, पहले गुड्स बेचा, स्टेप नंबर वन क्या बेचा, ऑन क्रेडिट नॉट ऑन कैश, सेलर ने बेचा बायर, फिर क्या ड्रॉ किया, ड्राफ्ट। तुम सलमान खान और आमिर खान सोच सकते, किसने ड्राफ्ट दिया, सेलर ने मतलब क्रेडिटर ने बायर को, बायर ने साइन किया और किसको वापस दिया, ड्रॉअर को, साइन करने के बाद ये ड्राफ्ट क्या बन जाएगा, अच्छा बिल वापस किसके पास आया, ड्रॉअर के पास। आज तारीख क्या है, आज की 3rd अक्टूबर, लेट अस एज्यूम एक महीने के लिए है, सो 3rd अक्टूबर, 3rd नवंबर प्लस 3 डेज, 6th नवंबर ड्यू डेट होना चाहिए। अब ये बिल ड्रॉअर खुद के पास रखता है, ये बिल खुद के पास रखता है और 6 नवंबर को प्रेजेंट करेगा ड्रॉई को। देखो 6 नवंबर आ गया, तुम्हारा जब एक महीना या 3 महीने का जो पैक है ना रिचार्ज का, खत्म जब होता है तो तुमको क्या आता है, योर पैक हैज एक्सपायर्ड, काइंडली रिचार्ज। तो जिस दिन 6 नवंबर को तुम जाके प्रेजेंट करते हो, अब रिटेनिंग मतलब जब साइन करके वापिस आता है टिल द ड्यू डेट, बिल किसके पास है, ड्रॉअर के पास। ड्यू डेट में ड्रॉअर जाएगा बायर को, ड्रॉअर इसके पास जाएगा ड्रॉई के पास, 8,000 2 महीने बाद आपने प्रॉमिस किया था आप पे करो। इफ ड्रॉई पे करता है, टेक्निकल भाषा में उसको ऑनर ऑफ बिल बोलते हैं, इफ द ड्रॉई फेल्स टू पे उसको डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो रिटेनिंग ऑफ बिल क्या होता है, सेलर गुड्स बेचता है उधारी में किसको, बायर को, बायर स्वीकारता है, फिर सेलर क्या, सेलर बिकम्स अ ड्रॉअर नाउ, बिल वो ड्राफ्ट ड्रॉ कर रहा है, किसको देता है, ड्रॉई को, ड्रॉई साइन करता है, वापस किसको देता है, ड्रॉअर के पास। देन वो जो ड्राफ्ट है
it becomes the bill of exchange, ठीक है, and sends it to the drawer, drawer sign करके वापस drawer के पास देता है, drawer खुद के पास रखता है, इसको हम बोलेंगे retaining of bill, clear सब लोग? Due date में drawer payment के मांग करेगा drawer से, if he pays owner, if he does not pay dishonor, discounting of bill में maximum sums हमारा अनुभव, 10 में से 6 पेपर में discounting में sums आते हैं, तो ये ध्यान से देखो, सेम स्टार्ट होगा, सेलर किसको बेचेगा, बायर को उधारी में, फिर क्या ड्रॉ करेगा, ड्राफ्ट किसको देगा, ड्रॉई को, ड्रॉई साइन करके किसको देगा बिल, ड्रॉर, बिल किसके पास है अभी, ड्रॉर, ये ड्राफ्ट के बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्यों, ड्रॉई ने साइन कर, बट ड्रॉर को अभी पैसों की जरूरत है, धंधे में उधारी देना पड़ता, 8,000 ड्रॉई से मिलना है, नवंबर है तो जनवरी अक्टूबर तो दिसंबर में मिलना है, बट आज वो अर्जेंट मांग नहीं सकता क्योंकि जो आमिर खान है किसी और से खरीद लेगा जो उधारी देता हो, बट ड्रॉअर को आज पैसों की गरज है, लेकिन तुम गोल्ड जैसे गिरवी करते हो बैंक में, उसके पास एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, दैट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सेक्शन 5 में आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ड्रॉअर क्या करता है, वो जाता है बैंक के पास और बोलता है कि देखो मेरे पास एक बिल है 8,000 रुपए का, 2 महीने बाद मुझे मिलने वाला है, तो ड्रॉअर क्या करता है, बैंक के पास जाता है, बैंक को ये बिल देता है, जैसे गोल्ड गिरवी रखते हैं ना, ये बिल बैंक के पास देता है और बैंक ड्रॉअर को 8,000 रुपया देता है, लेकिन धंधा है, बैंक ने कर्जा दिया तो बैंक क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज की टर्मिनोलॉजी में इंटरेस्ट को डिस्काउंट बोलते हैं, बैंक 7,800 के आसपास ड्रॉअर को देगा, 2 रुपए चार्ज लेगा, उसको डिस्काउंट बोलेंगे, तुम्हारा गुड्स बेचने का डिस्काउंट नहीं है, ये ब्याज है, बट उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में क्या बोलेंगे, डिस्काउंट, अभी बिल किसके पास है, बैंक के पास, सेम पकड़ लो, आज है आई थिंक 6 नवंबर को बैंक प्रेजेंट करेगा बिल, जिसके पास बिल है वो प्रेजेंट करेगा किसको, ड्रॉई को, एक्चुअली पे बिकम्स द बैंक, पे कौन रहेगा अभी, बैंक, इफ ड्रॉई पे करता है तो पेस कैश तो ऑनर, इफ पे नहीं करता है तो डिसऑनर, फिर वो बिल वापस बैंक ड्रॉअर को दे देगा, ये सबके अकाउंटिंग एंट्रीज है, 1, 2, 3 ना लाइन से इसके एंट्रीज होंगे, ड्रॉई टू सेल्स और बी आर टू ड्रॉई, ये सब देखेंगे बाद, तीसरा ऑप्शन, पहले तो ऑप्शन समझा, पहला क्या था रिटेन, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा एंडोर्समेंट, ये भी बहुत इजी है, 2 पार्टीज है सेलर और बायर, सेलर पहले क्या बेचता है, गुड्स उधारी में, उधारी में, फिर क्या बनाता है, ड्राफ्ट किसको देता है, ड्रॉई, ड्रॉई साइन करके किसको देता है, ड्रॉअर, अब ड्रॉअर के पास ऑप्शन है खुद के पास रखना या डिस्काउंट कराना, लेकिन सलमान खान जो ड्रॉअर है उसको ख्याल में है कि अमिताभ बच्चन को 8,000 रुपया देना है, तो ये बिल किसको देता है, वो अमिताभ बच्चन को, सो टेक्निकल भाषा में नाउ द ड्रॉअर बिकम्स द एंडोर्सर, जिसको देता है अमिताभ बच्चन ही बिकम्स द एंडोर्सी, ठीक है, अभी एंडोर्सी कैश पे नहीं कर रहा है क्योंकि पहले हो सकता है अमिताभ बच्चन ने सलमान खान को 8,000 का कुछ उधारी में दिया हो और सलमान खान को अमिताभ बच्चन को 8,000 रुपया देना बाकी था, वापस एंडोर्सी बिल रखता है अपने पास, 6 नवंबर का डेट रहता है तो एंडोर्सी बिल प्रेजेंट करता है किसको, ड्रॉई को, इफ द ड्रॉई पेस प्रेजेंट करता है तो ऑनर ऑफ द बिल, इफ द ड्रॉई डज नॉट पे दिस ऑनर ऑफ द बिल, समझ में आया, थर्ड लेवल एंडोर्समेंट, फोर्थ लेवल में आता है बिल्स सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, सेम है सेलर गुड्स बेचता है, फिर ड्राफ्ट ड्रॉ करता है, फिर ड्रॉइंग साइन करके वापस ड्रॉअर के पास जाता है, अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि ड्रॉअर के पास हो सकता है एक नहीं बहुत सारे डेटर्स हो, तो 40-50 डेटर्स हो, तुम सोचो ना यदि जियो महीने का रिचार्ज के बजाय हर 2 दिन में रिचार्ज करने को बोले तो तुम इरिटेट हो जाओ, बीच में तो मेरे को 3 महीना भी, मैंने 1 साल का करवा लिया था, कौन बार बार कर,
तो दो दो दिन में आए तो तुम बोर हो जाओ। तो ऐसे ड्रॉअर के पास, सलमान खान के पास, आमिर खान अकेला थोड़ी ड्रॉ ही है, उसके पास दूसरे भी होंगे, रणबीर कपूर या रणबीर सिंह जो भी एक्टर है, ठीक है, ऐसे 50 बिल होंगे। सो वो क्या करता है, वो सारे बिल इकट्ठा करता है 50, और बैंक के पास जाता है और बैंक को देता है। सिर्फ फर्क ये है डिस्काउंटिंग और इसमें, डिस्काउंटिंग में बैंक एडवांस में पैसा देता है कि ये ले, 8,000 का ले, 7,800, 200 हम चार्ज ले रहे हैं। लेकिन बैंक क्या करता है, ये बिल अपने पास रखता है, ऐसे 50 बिल। पहला बिल का ड्यू डेट आएगा 6 नवंबर, वो ड्रॉय के पास जाएगा और बोलेगा कि पैसा दो। ड्रॉय ने पे किया, जैसे पे किया, पेस कैश, ये कैश उसमें अपना कलेक्शन चार्जेस काट के बैंक ड्रॉअर को दे देता है। डिस्काउंटिंग में आज मैंने बिल दिया, आज 8,000 ले लिया बैंक से, बैंक फॉर कलेक्शन में आज मैंने बैंक को बिल दिया, बैंक 1 महीने बाद कलेक्ट करेगा ड्यू डेट के दिन, और वो पैसा ड्रॉअर को दे देगा कलेक्शन चार्जेस काट के, ठीक है, डिडक्ट कलेक्शन चार्जेस। तो ये चार ऑप्शन थे ड्रॉअर के पास, कौन सा, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स और बैंक फॉर कलेक्शन। नॉर्मली शब्द कभी कभार बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन भी आता है। अब इसका जर्नल एंट्रीज अलग वीडियो में हम देखेंगे। ओके।